देखो बताइए, सीजीएल टीयर वन 6/12/2022, आनंदी में तरीके से बताओ क्या कह रहा है। कह रहा 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ठीक है, अच्छा 40 सेंटीमीटर लंबाई लंबी जीवा से उसी वृत्त में 30 सेंटीमीटर लंबाई की एक अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी क्या होगी। यार बढ़िया सवाल है, कठिन नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है लैंग्वेज के हिसाब से। देखो हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का व्यास जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल खुद ही कह रहा है। इस वृत्त का जो व्यास है वो है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसे सीधे कर दे इसको, है ना। अब सही है, तो हमारे पास ये हो गया वृत्त का केंद्र बिंदु O, और इस वृत्त की जो व्यास कह रहा है वो है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, ये होगी R। अब इसी वृत्त पर 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो एक जीवा है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी है इसी वृत्त में। तो हमने कहा भाई साहब एक जीवा ये हो गई, थोड़ा सा नीचे, एक जीवा ये हो गई जो कि 40 सेंटीमीटर की लंबी है और इसी वृत्त में। ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा हो गई इसी वृत्त में। चलो अब अगर ये 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा हो गई, फिर कह रहा है इसी जीवा के समांतर एक जीवा और खींची जाती है 30 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की भाई साहब, 30 सेंटीमीटर की, ध्यान से सुनना। इसी के समांतर एक जीवा और खींच दी है सर जी, 30 सेंटीमीटर की लंबी और वो इसके समांतर। चलो इसके समांतर हो गई, अब आपको समझना यह है, तो पूछ रहा था समांतर ये जो जीवा है ना, इसकी इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, इससे इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। ये तो व्यास है, इसको तो टच ही नहीं मत करना। देखो वृत्त के केंद्र से अगर मैं जीवा पर परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, और इस पर परपेंडिकुलर भी होता है कि ये 90 हो जाएगा, ये 90 होगा, यानी इतनी जीवा जो होगी वो 20 होगी, ये वाली पूरी 40 थी ये 20 हो गई, ये 30 थी, तो ये जो जीवा की लंबाई होगी यहां से यहां तक ये 15 हो जाएगी। बोले हाँ सर हो तो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दिक्कत नहीं है तो सवाल ही नहीं खत्म हो गया, हो गया सवाल खत्म। वृत्त की त्रिज्या अगर देखेंगे तो ये भी होगी, वृत्त की त्रिज्या अगर देखेंगे तो ये भी होगी। अब एक त्रिभुज आपके पास कैसा बन रहा है, ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज आपके पास ये बन रहा है जिसमें ये त्रिज्या आपको 25 दी है और ये लंबाई आपको 20 दी है, तो ये लंब कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25 20 615 आ जाएगा, यानी ये दूरी जो है ये वाली दूरी ये आपके पास आ गई 15, आ गई रेड वाली। अब देखो एक त्रिभुज आपके पास कैसा है, एक त्रिभुज भी आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर ये आपकी बार 25 है, ये आधार जो आपके पास 15 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा पाइथागोरस से। यानी अब हम आपसे कहें कि अगर यहां से यहां तक की दूरी जो है ये पूरी दूरी भाई साहब 20 है, हरी वाली लाइन की दूरी 20 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 20 में से 15 घटा देंगे सर, ये दूरी जो होगी वो 5 होगी, यानी ये दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यही वो पूछ रहा था, खत्म हो गया सवाल, ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब सवाल का गेम बैठ गया, आप कहोगे मजा आ गई, आई मजा, तो नोट करिए पहले इस चीज को बहुत ध्यान से, नोट पॉइंट कहीं बना रहे हैं तो उसको नोट जरूर करिए। ठीक है चलो आओ अगले सवाल पर देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से बताइए क्या कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है देखिए क्या कहता है, कहता है 4x² + y² = 40 है, और अगर एक्स वाई का मान 6 है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है किसकी, 2x + y का धनात्मक मान निकालना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो धनात्मक मान इसका आ चुका है कि सर ये 8 हो गया, पूछे कैसे, ये ऐसे हो गया धनात्मक मान कि अगर मुझे दिखाई दिया कि x गुणे y 6 है, तो सबसे पहली संभावना हमारे दिमाग में ये आई कि x y 6 होने की सबसे पहली संभावना 3 गुणे 2 आई कि ये 6 बना रहा है, हो सकता है कि 1 गुणे 6 हो सकता है कि ये 1.5 × 4 हो, लेकिन क्योंकि हमको सकारात्मक और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी तो सबसे पहली संभावना हमारे पास 3 और 2 की आई, और 3 2 की संभावना आते ही हमने इसको सेटिस्फाई करा लिया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 हो गई संभावना, और फिर हमारे पास यहां से इसका मान आ जाएगा कि 2 × 3 + 2, 3 दूनी 6 + 2 क्या मिल जाएगा, 8।
अब अगर किसी को ये चाहिए कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे आपकी बात, हमें तो वही बताओ सर, क्योंकि हम अपनी सीखने की उसको जो है जो तरीका है उसको नहीं बदलेंगे, हम तो सर उसी तरीके से करेंगे। देख लो भाई, अगर उसी तरीके से करना है तो बुराई क्या है उसमें भी, आप अपना क्या, आपके पास इतना ज़्यादा समय है तो आप कर लो। देखो जैसे ये आपसे पूछ रहा था 2x + y, इसका होल स्क्वायर कर लो क्या बनेगा, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा 4x² + y² और 2ab का मतलब हो जाएगा 2×2 = 4xy, 4xy बन जाएगा। बोले हाँ सर बन तो जाएगा, ठीक है। तो 4x² + y² का मान आपके पास 40 दिया है, और अगर xy देखोगे तो xy 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 4×6, और 24 और 40 को अगर जोड़ोगे तो भाई साहब ये हो गया 64, यानी आप देखोगे कि 2x + y का होल स्क्वायर 64 है। अब आप अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आपके पास क्या 2x + y का मान नहीं आ जाएगा, तो 2x + y का मान क्या होगा, 8 होगा। लेकिन आपके पास तो समय है ना कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो करो, लगाओ समय, सीखने की ललक मरी रही है। वैसे भी हम तो टीचर को दोष देते हैं, टीचर ऐसे ही बताता, वो ये सिखाने की कोशिश ही नहीं करता कि संभावनाएं हो सकती हैं। क्यों, कल वो 60 मिनट के समय में इतने सवाल कराने हैं, अरे ये कौन सिखाएगा फिर फ्री में बच्चों को यूट्यूब पर, ये क्या, ये सब चीजें पैसा लेके ही सिखाओगे, टीचर का ही दोष है ना कि वो नहीं पढ़ाता, इसे सिखाने की कोशिश ही नहीं करते। टारगेट फिक्स होता है ना टीचर्स का, एक घंटा है 25 क्वेश्चन पढ़ाना, 20 क्वेश्चन पढ़ाना, और वही क्वेश्चन लेना जो छोटे छोटे हो, जिसको आप तेजी से कर पाओ, जिसमें सिखाने जैसा कुछ ना हो। ये होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, यही हो रहा है आजकल। सिखाने की टीचर की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ललक, टीचर के सिखाने की ललक जो बच्चों को सिखा सकते, वो खत्म है, नहीं है ही नहीं, उसको करने ही नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बात अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, कलक सर जैसे मन हो वैसे पढ़ाइए, जो मन हो वो जो सिखाइए, आप एक घंटा नहीं, आप सवा घंटा पढ़ाइए, डेढ़ घंटा पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को सिखाइए। पेड़ में जो हम सिखा रहे हैं वो तो सिखा ही रहे। नेक्स्ट आओ, देखो व्यथित होता है मन, ये लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री जानते हो बिल्कुल वो होता है कि दो किताब पढ़ लिए लौंडा टीचर बन गया। अब वो टीचर बना दो ही है किताब पढ़ के ना, तो वही सिखाएगा ना जो उसको दो किताब में मिला है, अपनी तरफ से उसने कुछ लगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ सिखाएगा कदुआ भैया। देखो पीयूष एक गिटार अनुज को 16% के लाभ पर बेचा, ठीक है, और अनुज ने इसे मयंक को 32% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, अनुज ने भी बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए कितना रुपया दिया हो, 3,828 रुपये दिए हो, तो पीयूष इसके लिए कितना रुपया देगा। अब देखो जरा ध्यान से, चाहे आप इसमें सक्सेसिव लगा लो, परसेंट इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज, तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले इन चीज़ों को देखना। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि 16% को हम 4/25 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर 16% को 4/25 लिख सकते हैं, तो मेरे भाई क्या ये तुम नहीं बता पाओगे कि 32% को सर आप क्या लिख सकते हो, 8/25 नहीं लिख सकते हो 32% को? हाँ सर इसका दोगुना है, तो यहाँ पे भी दोगुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आओ ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब अगर ये बात इतनी सी समझ में आ गई ना, तो समझ लो आपका सवाल ही खत्म हो गया। देखो जरा ध्यान से, पीयूष से अनुज के पास, अनुज से मयंक के पास, मयंक ने पैसा दिया इतना, पीयूष का पैसा पूछ रहा है। 16% का मतलब था 4/25 था ना, यानी 25 की चीज जो शुरुआत में पीयूष के पास होगी वो 4 के प्रॉफिट के साथ 29 के पास आ जाएगी, किसके पास, अनुज के पास। अनुज 32% लाभ ले रहा है, यानी 8/25, तो इसके पास जो 25 की चीज होगी वो 8 के लाभ पर 33 की पर पहुंच जाएगी इसके पास। तो ये जो टोटल हिस्सा होगा ये पीयूष का हो जाएगा, और ये जो टोटल हिस्सा होगा वो मयंक का हो जाएगा। यहां पर ये जो बराबर होगा ना इसका गुणा, यानी 29 × 33, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, 29 × 33 जो होगा ये बराबर होगा 3,828 के। तो आपको 25 × 25 का मान निकालना था, सुनना ध्यान से, किसका मान निकालना है, 25 × 25 का, और ये है इसका मान है ये 3,828।
अब 25 × 25 का मान निकालना है, कैसे निकालें? अगर आप ये बात पहले ही समझ जाते कि ये 25 × 25 है, ये कैलकुलेशन जो आपको करने के लिए दिख रही है ना करनी पड़ती। अच्छा, इसका एक तरीका और है, पहले मैं वो भी लिख दे रहा हूं फिर इसको भी समझना। पीयूष ने इसके लिए कितने पैसे दिए नहीं पता, एक्स दिए। पहला 16% के लाभ पर बेचा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे कि 116/100। दूसरा 32% के लाभ पर बेचा है, तो 132/100 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 3828। एक तरीका यह भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे। आप सॉल्व करके देखोगे ना तो काटे पीटने के बाद यही चीजें आपको मिलेंगे, करके देखो। अब इसके बाद भी इसको शॉर्ट कैसे करना है, आपको ये नहीं करना है कि यहां पर 11 से काट रहे हैं कि 11 × 33 तीन बार ये कट गया, 11 × 33 तीन बार ये कट गया, नहीं। आपके पास ऑप्शन दिया है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। देखिए कैसे, वो ऑप्शन आंसर होगा जो 25 से 2 बार कट रहा हो। 2 × 25 है ना, तो 2 × 25 से कट रहा हो। 25 × 100, अब 32 × 4 तो दोबारा 25 से नहीं कर सकता ना। 25 × 100, 28 × 4 दोबारा 25 से नहीं कर सकता है। 25 × 100, 16 × 4 दोबारा 25 से नहीं कर सकता है। 25 × 100, 25 × 4 दोबारा 25 से कर सकता है। यानी ये आपका आंसर है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब करे रहो कैलकुलेशन, जिसको करनी है करो कैलकुलेशन। कुछ बच्चों को ये समझ में आया कि ये कैसे लिखा है, 25 × ये जो काटा है। देखो ये जो 3200 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, 32 × 100, 25 से काटोगे 25 × 4 हो जाएगा, तो 32 × 4 बचेगा, वही लिखा है 32 × 4। अब करनी है जिसको कैलकुलेशन, लगाओ खूब, काटो 11 से, काटो 29 से, खेलते रहो। जरा देर का सवाल था, खत्म हो जाता। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। अब ये वही, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये वही व्यक्ति सिखा सकता है जो पेपर क्लियर किया हो और जिसने अपने ऊपर काम किया, वही सिखा सकता है। तो नहीं सिखा सकते हैं दूसरे, जिन्होंने पेपर क्रैक ही नहीं किया, वो ये कैसे बताएंगे कि पेपर की अप्रोच क्या होती है, पेपर में चीजों को कैसे देखना होता, नहीं बता सकते, सवाल ही नहीं उठता है। और मैं तक ऐसी चीज है, जब तक आप उस पर खुद से काम नहीं करेंगे टीचर बनने के लिए, तब तक आप बच्चों को वही केवल फिर गुणा भाग ही सिखाएंगे कि ऐसे हो सकता है। कुछ में करना पड़ता है मानता हूं, लेकिन सब में करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सवाल, एक लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चलेगा? यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो पाइप की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसके लिए आप अगर डायग्राम बनाओ तो बनाते रहो, वैसे जरूरत नहीं है। साफ समझ में आ गया कि खोखला बेलन है, क्या समझ में आ गया कि इस प्रकार का ये खोखला बेलन, आप बनाना चाहो बना लो, हम बता के तो दोनों ही जाएंगे, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। ये खोखला बेलन है इस प्रकार से, इसका बाहरी व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या जो होगी, जिसको आप कैपिटल आर कह सकते हो, वो 10 होगी। ठीक, तो हमें ये समझ में आ गया कैपिटल आर 10 होगी। अब क्योंकि धातु की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब अंदरूनी त्रिज्या जो है 10 से 1 कम होगी, यानी 9 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं। तो पाइप की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पाइप होगा बेलनाकार होगा और उसकी सतह का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको बोलते हैं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr×h, 2πr×h, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10 में से 9 घटाकर 1 और एच की जगह 12। सॉल्व करना है, आंसर बताना है, बताइए कितने लोगों को आ सकता है, कितने लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताना है। तो आपका आंसर क्या हो सकेगा ना, ये आपको देखकर सही जवाब करना है कि क्या आंसर होगा। अब चीजों को समझने की कोशिश करो, देखो ये 22/7 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 22/7 को 3.14 लिख सकते हो, क्या आंसर जाएगा ये समझ लो। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। अच्छा एक चीज और समझ लो, जब कभी आपसे सिर्फ यही पूछे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, तो कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है
और एक दूसरा होता है जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, पार्श्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, गौर करना। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस में πr² होता है बेलन का। एक एक चीज ये भी लिख के बता रहा हूं, 2πr अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में h प्लस r आ जाता है, यही होता है, हाँ है ना। तो 2πr तो हमारा कॉमन रहेगा, समझ रहा। लेकिन अब ये बेलन अगर खोखला हो गया है तो हम एक चीज तो समझ पा रहे थे कि कुछ बच्चा पहले ये लिखेगा फिर ये देखेगा कि सर इससे तो हमारा आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि ये 3.14 है, 12 दूनी 24 ही हो रहा, 24 गुणे 3 72 के आसपास जाएगा, जबकि आंसर इतना बड़ा। तो ये तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन पहले ही ये बात समझनी होती है कि अगर आपसे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसका मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ जाने का काम करना है, टोटल सर्फेस एरिया पर। तो क्या बनेगा, 2πr 2×22/7, आर का मतलब कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर का मतलब 10 में से 9 माइनस कर लेंगे 1, ब्रैकेट में क्या आता है h प्लस आर यानी 12, आर की जगह फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी कि 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं लगाया था क्या, लगाया था, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। अब एक दशमलव के दो स्थानों तक सही सही बताना, इसका मतलब ये दशमलव के दो स्थानों तक आगे भी जाएगा। अब ये मत करना यहां पर कि 11 का मल्टीपल देख लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के दो स्थानों तक आपसे पूछ रहा है मान, यानी कि जो मान होगा वो दशमलव के दो स्थानों से आगे भी जा रहा होगा, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इस कंडीशन में। कई क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं होता है। अब इसको पूरा सॉल्व करके, सॉल्व करने के बाद अगर शर्म है और नहीं है तो कमेंट अभी कर दो चैट बॉक्स में कि सर पूरा सॉल्व कर दीजिए, ठीक। सॉल्व करने के बाद मुझे मत दिखाना, मुझे मत बताना कि सर ये आंसर आया, नहीं, जरूरत नहीं हमें बताने की, खुद से देखो कि आंसर मैच हो रहा है, हमें मत बताओ, हम तो देख ही रहे कि तुम्हारे आंसर क्या मिल रहे हैं हमको। हम तो देख ही रहे, तुम खुद बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बस। नेक्स्ट, चलो देखो सवाल क्या शानदार पूछा है, ध्यान से पढ़ना। पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम को करने का फैसला किया, ठीक है, कर लिया फैसला, लेकिन हर दिन 18 पुरुषों ने काम छोड़ दिया है। वाह, हर दिन 18 लोग काम छोड़ दे रहे हैं। यदि काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने कार्य करने का निर्णय लिया था। समझ की बात है, अगर समझ अच्छी है तो सवाल अच्छे से होगा, समझ अच्छी नहीं है तो सवाल अच्छे से नहीं हो सकता है। क्यों, समझो, शुरुआत में कितने पुरुषों ने काम शुरू किया था यह पता करना है। तो हम अगर ये कह दें कि शुरुआत में पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का ठेका लिया, तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में अगर 6 दिनों में काम करने का ठेका लिया है और मैं कहता हूं कि उसमें M पुरुष है, M पुरुषों ने कार्य की शुरुआत करी और ये कहा कि हम 6 दिन में काम करके आपको दे देंगे, तो शुरू में जो पुरुषों की कुल संख्या होगी वो 6 का गुणज होगी या नहीं होगी, सबसे पहला जवाब, 6 का गुणज होगी। मैंने ये कहा कि M लोगों ने, मुझे नहीं पता था कितने लोग थे, M लोगों ने 6 दिन में काम करने का हिसाब किताब बनाया है, कितने लोग होंगे कितने लोग नहीं होंगे क्या पता, तो टोटल काम जो होगा वो 6 का गुणज होगा और वो इस M का भी गुणज होगा। तो 6 का गुणज होने का मतलब अगर वो M का गुणज भी है, 6 का गुणज भी है, तो 6 से तो कटना चाहिए ना एटलीस्ट, ठीक। अच्छा, ये हो गया हमारे पास शुरुआत का टोटल काम, अब ध्यान से सुनना, ये हो गया टोटल काम शुरुआत का। अब होता क्या है, होता है ऐसा है कि प्रत्येक दिन 18 लोग क्या है, काम छोड़कर जाते हैं, ध्यान से सुनना, यानी पहले दिन अगर M लोगों ने काम किया तो अगले दिन M में से 18 लोग चले गए, फिर अगले दिन M में से 18 लोग और चले गए तो 36 लोग हो गए, फिर अगले दिन M में से 18 लोग और चले गए तो 54 हो गए, फिर अगले दिन M में से 18 लोग और चले हो गए तो 72 हो गए, फिर अगले दिन M में से 18 लोग और चले हो गए तो 90 हो गए, फिर अगले दिन M में से 18 लोग और चले गए तो 108 हो गए।
इस तरीके से काम चल रहा है, और ऐसे काम 8 दिन में पूरा होता है, तो 4 3 7 अभी एक बार और होना है, तो फिर अगले दिन एम में से 8 लोग और चले जाएंगे तो 126 हो जाएगा। शुरुआत में एम ने काम शुरू किया, फिर 18 18 18 18 यानी 18 का पहाड़ा चल रहा है, कहां तक, 18 7 126 तक। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 8 दिन तक काम चला है, तो ये M जो होगा, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता इसको लिखने की इसलिए नहीं थी क्योंकि ये आपको समझना है केवल। तो M M M M M M कितनी बार होगा, ये पूरे 8 बार होगा, तो 8M ये लिख लिया। अब माइनस कॉमन भी कर लेते हैं, और इन सब में दिख रहा है कि 18 कॉमन हो जाएगा, तो 18 कॉमन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, तो 1 से 7 तक की संख्याओं का योग कर लेंगे, सीधे सीधे काम खत्म, ये इसका टोटल काम हो जाएगा। और ये टोटल काम जो होगा वो पहले वाले के टोटल काम के बराबर होना चाहिए, यानी 6M के बराबर होगा, काम खत्म। 1 से 7 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 2 26 और 1 27 होता है, 18 × 27। बात समझ पा रहे हैं भाई, 1 से 7 तक के आपके पास संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7। अगर आप इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, 7 8 56 56 / 2 28 होगा, NN+1/2 लगा सकते हो, NN+1/2, 7 1 8 8 7 56 56 / 2 28, और नहीं तो जोड़ लो, तो ये हो गया 28, यहां पर हो गया 18। बहुत ध्यान से समझना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, मैं आपको कभी इसीलिए बोल रहा हूं। तो इन सब को लिखने की अपेक्षा अगर आप सिर्फ ये लिख लो, इन सब को लिखे बगैर, कि 8M - 18 × 28, ये बात अगर आप डायरेक्ट लिख लो कि ये 6M के बराबर है, तो आपका कितना समय बचेगा और कितना तेजी से आपकी कैलकुलेशन होगी, आपको अंदाजा है इस बात का, है? अगर है तो अच्छी बात है। 6M इधर घट जाएगा आके, 2M बचेगा, और यहां पर हो जाएगा 18 × 28। 2 से काट दोगे तो M का मान क्या आ जाएगा, M का मान आ जाएगा यहां पर 9 × 28, और 9 × 28 अगर आप जोड़ोगे तो इकाई में 2 आ जाएगा, यानी 252 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 252, यानी कि शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या जो थी वो 252 थी। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझे? तो कई बार स्टेप की स्किपिंग जो होती है कि हर स्टेप लिखे बगैर भी अगर हम आंसर तक पहुंचते हैं तो वो भी हमारा अच्छा काम होता है, कि स्टेप की जो स्किपिंग होती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये इसके लिए जरूरी है। क्लियर, समझ पाए सभी लोग? कमेंट से बताओ मुझे फटाक से, देख लेते हैं, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन देखेंगे, बताओ। बच्चा आप दोबारा से देख भी सकते हो ना कि हमने क्या लिखाया, कैसी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगले पर आए। इसके बाद हमारा अगला सवाल है ये, चलिए देखिए। अरे आया नहीं था क्या, आ गया, बताओ। ये तो बहुत ही सरल कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37 अपॉन साइन 53। मैंने आपको 50 बार, 10 बार, 1000 बार अब तो ये कहूंगा कि अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है और दो कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो जो एंगल, जो त्रिकोणमिति अनुपात जिसमें बदलता है, कि अगर साइन है कॉस में बदलता है, टेन है कॉट में बदलता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉस है कोसेक है जो कि सेक में बदलता है, कोसेक है जो कि किस में बदलता है, सेक में बदलता है, बदलता है, तो जो त्रिकोणमिति अनुपात जिसमें बदलता है, ध्यान से सुनना, और अगर इनके लिखे हुए जो कोण है उन कोणों का योग अपने पास क्या हो, 90 डिग्री हो, और अगर ये आपको बटे में दिख रहे हैं तो इनका मान हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब अगर ये हो कि आपके पास लिखा है साइन थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा 2, साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, इनके दोनों कोणों का यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 1 के बराबर होगी।
सेम कंडीशन यहाँ है कि cos 37 sin 53, cos sin में बदलता है, sin cos में बदलता है, 37 तिरपन 90 होता है, वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्या मिलेगी, 1, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ना, हालांकि मैं इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, पढ़ लो, कहता है कॉस माइनस में 17 पाई बटे 3 लिखा है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, चलो अच्छा हम कर ही लेते हैं, ये लिखा है कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, यानी इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ब्रैकेट में 17 पाई बटे में 3, पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे तो कॉस 17, इसका मान 180, 3 से काटोगे तो 60 हो जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, तो ये हो जाएगा 1020, कॉस 1020 डिग्री का मान निकालना है, ध्यान से सुनना, इसको फिर आप क्या लिखोगे, कॉस, ध्यान से देखो, 3 गुणे 360 1080 होता है, इसमें अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कॉस 1020, और याद रखिएगा कि 360 और 180 प्लस माइनस थीटा में कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, 180 प्लस माइनस थीटा हो और चाहे 360 प्लस माइनस थीटा हो, इसमें जो होता है त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं वो नो चेंज होते हैं, वो नहीं बदलते हैं, यानी कॉस का कॉस ही बना रहेगा, सबसे पहला काम। अब ये 360 माइनस थीटा है, चतुर्थांश कौन सा होगा, ध्यान से सुनना, ये वाला जो हिस्सा होता है ये 180 से 270 का होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये 270 से 360 का होता है, तो 360 माइनस थीटा का मतलब हम लोग किस में है, 360 माइनस थीटा का मतलब हम लोग चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे चतुर्थांश की अगर बात करें तो इसमें जैसे सारे के सारे प्लस होते हैं, इसमें ऑल साइन और कॉस प्लस का होता है, ठीक है, साइन और कोसेक प्लस का होता है, इसमें टेन कॉट प्लस का होता है, इसमें सेक और कॉस प्लस का होता है, तो यहां पर भी कॉस है यानी ये भी प्लस रहेगा, तो कॉस 60 आ जाएगा, और कॉस 60 का मान कौन नहीं जानता है, ये कोई मुझे बताएगा, 1/2, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2, और मुझे लगता है कि आज की ये क्लास आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी, 19 क्वेश्चन बेहतरीन, जिसमें आज का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, साथ ही साथ आपकी शुभकामनाएं, आपका प्यार स्नेह, साथ ही साथ क्लास में जो फीडबैक है कि आपको कैसा लगता है, पढ़ने में कैसे मजा आती है, यही क्वेश्चन आगे बढ़ाएं सीरीज को, एसएससी के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं, तो इस बात का कमेंट भी सभी लोगों से अपेक्षित रहेगा। सो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।